दोस्तों मौसम को देखते हुए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जी दोस्तों, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम चल रहा है और ऐसे में मोटरसाइकिल स्टार्टिंग की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि मोटरसाइकिल स्टार्टिंग की समस्या क्यों आती है और इसके लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जितने भी इंजन होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, 10 चक्का 12 चक्का वाला, सभी इंजन एक जैसा ही स्टार्ट होता है। लेकिन अभी और पहले की जो बाइक थी, दोनों बाइक्स में बिल्कुल अंतर हो गया, या फिर जितने भी गाड़ियां आ रही है सभी में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये कार्वेटर है और ये वीडियो मैं खास उसके लिए बना रहा हूँ जिसके जिसके बाइक में, जिसके मोटरसाइकिल में कार्वेटर लगा हुआ है, और कार्वेटर वाले बाइक में ही ये ज़्यादातर दिक्कत आती है। देखिए, मोटरसाइकिल तो अब सभी लोग जानने लगे कि BS4 और BS6, ये दो बाइक अभी मतलब चल रही है। BS3 की तो बात ही खत्म हो गई, BS4 की हम बात करते हैं। BS4 और BS3 दोनों सेम ही हुआ, ठीक है। तो BS4 और BS6 दोनों बाइक्स में अभी क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है, जो सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत होती है स्टार्टिंग में BS3 BS4 बाइक में, वो क्यों आती है, उसके बारे में हम आज खास बात करने वाले हैं। देखिए, ये जितने भी कार्बोरेटर वाली बाइक होगी, जितने भी बाइक्स में कार्बोरेटर लगी हुई होती है उसमें चौक का कनेक्शन होता है। ये चौक का कनेक्शन होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि चौक का कनेक्शन इसलिए दिया जाता है कि जब भी हमारी बाइक की पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो चौक खींचो, और चौक खींच के हम कुछ दूर जाके हम अपनी थोड़ी दूर जाके हम यानी कि अगर नज़दीक में कोई फ्यूल पंप रहे तो वहाँ पे जाके हम पेट्रोल भरवा सकते हैं। चौक इसलिए दिया जाता है। जी नहीं दोस्तों, चौक इसलिए नहीं दिया जाता है, चौक इसलिए दिया जाता है कि हमारी बाइक अगर जल्दी से स्टार्ट नहीं हो रही है मौसम के हिसाब से, तो हम चौक लगाकर जल्दी से बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर आप सोचेंगे कि चौक लगा के हम कुछ दूर जब चले जाते थे, और वो चीज़ अगर BS6 बाइक में देखेंगे तो वो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। देखिए, मैं विस्तार से समझाऊंगा, थोड़ी बहुत आप मेरी बात सुनिए, धीरे धीरे मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि आखिर स्टार्टिंग की समस्या क्यों आती है। और अभी अगर कोई BS6 बाइक लेता है, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लेता है, टोटल बॉडी सिस्टम लेता है, तो उसमें ये समस्या देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। एक बार किक दबाओ, एक बार सेल्फ दबाओ, भाई बाइक स्टार्ट हो जाएगी और आप उसी समय से बाइक चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन BS3 BS4 बाइक में ऐसा देखने को नहीं मिला है। जब तक कि हम चौक नहीं लगाएंगे तो हम अच्छे से बाइक को नहीं चला पाएंगे। बताता हूँ, चौक इसीलिए दिया गया है कि जब भी हमारी बाइक की स्टार्ट नहीं होती है, जब भी हमारी बाइक की इंजन कॉल्ड हो जाता है, ठंड पड़ जाता है, तो उस समय बगैर चौक लगाए जब स्टार्ट मारते हैं तो इंजन का जो हेड सिलेंडर ठंडा रहता है, ठंडा रहने की वजह से हम जो किक मारते हैं, जो हम सेल्फ मारते हैं, उसके द्वारा जो थोड़ा बहुत फ्यूल जाता है उस फ्यूल को जला नहीं पाता है। हेड सिलेंडर इतना ठंड हो जाता है भाई कि जितना हम फ्यूल जितना बाइक की फ्यूल की सप्लाई हो रही है किक और सेल्फ के द्वारा बगैर चौक लगाए, तो उससे बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है। इस कारण इसी वजह से हमें यहाँ पर चौक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और चौक लगाने का मतलब यही है गाइज कि चौक जब हम लगाते हैं तो वहाँ पे पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, फ्यूल की सप्लाई और भी अधिक हो जाती है। जब फ्यूल की सप्लाई अधिक हो जाएगी तो हेड सिलेंडर ठंडा कितनों भी पड़े, उस जगह अधिक पेट्रोल अधिक फ्यूल आने की वजह से हमारी बाइक जल्दी स्टार्ट होने में मदद मिलेगी। जी दोस्तों, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आपकी अगर BS3 BS4 बाइक है जिसमें कि कार्बोरेटर लगा हुआ होता है, उसमें आप चौक का इस्तेमाल कीजिए, चौक का इस्तेमाल कीजिए और बाइक स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि चौक इस्तेमाल करने के बाद भी 2-3 किक मुझे 10 किक मारना पड़ता है, तो उस समय आपको कार्बोरेटर खोल के सफाई करना चाहिए, स्पार्क प्लग बदलवा के देखना चाहिए, उस समय आपको कंप्रेसर भी चेक करना चाहिए, टैपिट का एडजस्टमेंट भी कराना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ देखना पड़ेगा आपको। अगर आपकी बाइक अच्छी कंडीशन में 1 किक में स्टार्ट हो रही है तो अच्छी बात है, अगर आपकी बाइक एक किक में बगैर चौक लगाए स्टार्ट नहीं हो रही है तो उस समय आप चौक का इस्तेमाल कीजिए, चौक उठाइए और आप अपनी बाइक को स्टार्ट कीजिए, एक्सीलेटर दीजिए थोड़ा देर के लिए, करीब 1-2 आधे 30 सेकंड के लिए आप चौक लगाए रखें, एक्सीलेटर दीजिए। जब इंजन थोड़ी बहुत भी अगर हीट हो जाता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है हेड का, तो फिर आप अपनी बाइक को चलाते रहें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ एक बार करना है, जब भी ये दिक्कत करता है सिर्फ एक ही बार करना है, बार बार आपको चौक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चौक दोस्तों इसीलिए दिया जाता है। मौसम हर जगह का अलग अलग होता है भाई, कहीं गर्मी है तो वहाँ चौक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कहीं ठंड है तो वहाँ पे चौक की ज़रूरत पड़ती है। चौक इसलिए नहीं दिया गया है कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम चौक में लगा के बाइक चला रहे हैं, खूब चला रहे, भाई 2-2 किलोमीटर पेल रहे हैं, इससे नुकसान होता है। चौक पेट्रोल अगर ख़त्म हो गया है थोड़ा दूर के लिए आप जाएँ 2 कदम 10 कदम, लेकिन चौक लगा के हमें बाइक को पेलना नहीं चाहिए, इससे नुकसान होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, इससे
फ्यूल का सिस्टम खराब हो सकता है, मतलब माइलेज की सिस्टम में गड़बड़ी आ सकती है। अब जानते हैं कि BS6 बाइक में ये क्यों नहीं करना पड़ता है। BS6 बाइक में अब ऑटोमेटिक चॉक का सिस्टम दिया है, मैं तो बताना भूल ही गया, ये एक मैनुअल चॉक हुआ जो कि हम उठाते हैं खींचते हैं तब चॉक लगता है। लेकिन BS6 बाइक जितने भी अब इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गई है, ECU सिस्टम आ गई है, FI सिस्टम आ गई है, उसमें अब भाई ऑटोमेटिक सिस्टम दिया गया है चॉक का। और बजाज की बाइक में भी पहले से चल रही भाई ऑटोमेटिक चॉक सिस्टम, और TVS की बाइक में भी ऑटो चॉक दिया गया है। जो इलेक्ट्रिक चॉक देखते हैं हम कार्बोरेटर में, यहाँ पे लगा होता है, दो तार निकलता है, सॉकेट निकलता है, तो वो कनेक्शन किससे ऑन रहेगा, वो बैटरी से ऑन रहेगा। अगर आपके बाइक में ऑटो चॉक का सिस्टम दिया गया, इलेक्ट्रिक चॉक सिस्टम दिया गया है और बैटरी ठीक नहीं है और किक के द्वारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस समय भी आपको स्टार्टिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो आपको अपने बाइक में बैटरी लगवा लेना है, सेल्फ चालू हो या ना हो, भाई स्टार्टिंग के लिए आपको बैटरी लगवाना है। सर्दी के मौसम में हर किसी को बैटरी लगवाना चाहिए, क्योंकि बैटरी से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। जैसे कि अब जितने भी बाइक्स आती है, चाहे BS4 हो या फिर BS6 हो, सभी में इलेक्ट्रिक DC सिस्टम बन गया है। BS4 में भी CDI जितना भी आता है उसमें DC CDI आता है। जब भी हम चाबी को ऑन करते हैं तो बैटरी का कनेक्शन CDI तक पहुँचता है और अपना फ़ौरन वो काम करना शुरू कर देता है। और जिस समय बैटरी आपकी बाइक में नहीं रहेगी, किक के द्वारा मारेंगे, तो किक से जितना किक मारते हैं उसके के हिसाब से फिर करंट की सप्लाई होती है। और जब बैटरी फुल चार्ज रहता है, बैटरी लगा के रखते हैं, तो उसके हिसाब से 12 वोल्ट फुल चार्ज उसके उसको सप्लाई मिलता है। तो इससे आपकी बाइक का CDI भी बचत रहता है भाई। मैंने कई सारे बाइक में देखा है, बजाज की बाइक में, कि बैटरी काफ़ी दिनों तक नहीं लगाते हैं तो उसका CDI खराब हो जाता है। तो बैटरी आप लोग लगवाएं। तो BS6 बाइक में अब ऑटो चॉक सिस्टम देने की वजह से एक किक में एक सेल्फ मारने पर ही स्टार्ट हो जाती है। अगर BS6 बाइक का भी बैटरी लो हो गई है, सेल्फ के द्वारा स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट करके चलाते हैं तभी सेल्फ लेता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको बैटरी बदलवा देना चाहिए। दोस्तों मौसम अभी इतना ज़्यादा ठंड पड़ गई है, इतने ज़्यादा कोहरे पड़ने लगे कि बाइक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, इस वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों फिर से मैं एक नए वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू गाइस।